अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं विद इन फ्यू क्लिक्स। और अगर आपने वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है और अगर आप किसी वजह से उसको रिमूव करना चाह रहे हैं कम्प्लीटली अपने सर्वर से, तो मैं आपको वो भी बताऊँगा कि आप किस तरह से रिमूव करके दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपका डोमेन और होस्टिंग आपके पास होनी चाहिए। आपने जहाँ से डोमेन और होस्टिंग बाय की है, आप वहाँ जाके cPanel में लॉगिन करें। करेंटली अगर आप यूज़ कर रहे हैं ब्लू होस्टिंग डॉट पी के होस्टिंग और डोमेन के लिए, तो हम ये वेबसाइट ओपन करेंगे और इसका जो क्लाइंट एरिया है वहाँ पे लॉगिन करके अपना डैशबोर्ड देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने अकाउंट में लॉगिन करने के लिए क्लाइंट एरिया के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसा ही आप लॉगिन क्लाइंट एरिया पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो ईमेल और आईडी मांगेगा। आप अपना ईमेल आईडी एंटर करने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करें। सो दिस इज़ अवर क्लाइंट एरिया। यहाँ पे सर्विसेज पे जाएं। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद माय सर्विसेज। जैसे ही आप माय सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो जो सर्विस आपने बाय की हुई है वो आपके सामने शो होगी। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे देन स्क्रोल डाउन, यहाँ से हमने cPanel में लॉगिन करना है। जब आप ब्लू होस्टिंग डॉट पी के से डोमेन और होस्टिंग बाय करेंगे तो ये आपको cPanel की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको आपके ईमेल में रिसीव होंगी। उसके अलावा अगर आपको ईमेल रिसीव नहीं होता या फिर ईमेल किस वजह से आप डिलीट हो जाता है, तो आप ब्लू होस्टिंग डॉट पी के का जो क्लाइंट एरिया है वहाँ पर लॉगिन करके सर्विसेज देन माई सर्विसेज, और देन जैसे माई सर्विसेज को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास बटन शो हो रहा है लॉगिन टू cPanel, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने cPanel में लॉगिन कर सकते हैं। सो ये हमारा जो cPanel है वो ओपन हो गया। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले हम अपनी डोमेन वेरीफाई करेंगे क्या हमारी डोमेन वर्किंग करी या नहीं। सो उसके लिए ये जो आपकी डोमेन है उसके ऊपर क्लिक करें। अगर आपको ये index.txt पे शो हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो डोमेन है वो वर्क कर रही है, और अगर यहाँ पे कुछ और फाइल शो हो रही हो तो वो आपको पहले रिमूव करनी पड़ेंगे फाइल मैनेजर के अंदर जाके। सो करंटली जो हमारी डोमेन है वो एक्टिव है और रनिंग कर रही है। वापस हम जाएंगे इस कंट्रोल पैनल यानी cPanel पे, इसको स्क्रॉल करें और एट द एंड आप ये जो वर्डप्रेस की आइकन आपको शो हो रही है उसके ऊपर क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पे बहुत से जो क्लाइंट्स हैं या जो व्यूज़ हैं वो मिस्टेक करते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में, इसलिए आपने यहाँ से जो है ना बहुत गौर से देखना है। इसको स्क्रॉल करने के बाद जो बटन है इंस्टॉल नाउ, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ से आपने जो सबसे पहले आपका जो प्रोटोकॉल है वो चूज़ करना है कि आपने HTTP, HTTP, WWW, HTTPS, इनमें से कोई सा भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट आपके लिए ये रहेगा कि हम HTTPS, WWW. ये चूज़ करें प्रोटोकॉल। उसके बाद यहाँ से आपने डोमेन चूज़ करनी है। अगर तो आपके अकाउंट में एक ही डोमेन है देन वो एक ही यहाँ पे शो हो रही होगी, और अगर आपके पास मोर देन वन डोमेन्स हैं तो यहाँ पे लिस्ट में और भी डोमेन शो हो रही होगी जिस पे आपने इंस्टॉल करना वर्डप्रेस, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि ये जो हमारे पास इनडायरेक्ट डायरेक्टरी लिखी हुई है WP, इसको आपने लास्ट में रिमूव करना है। अगर आप यहाँ से इसको रिमूव नहीं करेंगे तो जो आपकी वर्डप्रेस है वो सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी में इंस्टॉल हो जाएगी। सो ये आपको रिमूव करना होगा। उसके बाद स्क्रॉल करें, यहाँ पे आपकी जो साइट का टाइटल है वो आपने ऐड करना है, जो साइट की डिस्क्रिप्शन है 1 से 2 लाइंस आपने वो ऐड करनी है। यहाँ पे आप जो अपना वर्डप्रेस का एडमिन है उसका यूज़र नेम रखना चाह रहे हैं वो आपने ऐड करना है। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड ऐड करना है, और देन यहाँ पे आपने ईमेल ऐड करना है। वो ईमेल जो अगर आप बाद में लॉगिन करना चाह रहे हैं या अगर पासवर्ड रीसेट करना चाह रहे हैं तो आपके काम आ सके। स्क्रॉल डाउन करें और इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें ये तो विद इन फ्यू सेकेंड्स जो आपकी वर्डप्रेस है वो आपकी डोमेन पे इंस्टॉल हो जाएगी। अब जैसे ही हमें मैसेज आया है कॉन्ग्रेचुलेशंस का, तो हमारे पास दो लिंक शो हो रहे हैं। एक तो हमारी मेन डोमेन का लिंक शो हो रहा है और सेकेंड जो वर्डप्रेस एडमिन का लिंक शो हो रहा है। सबसे पहले हम ये लिंक विजिट करेंगे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी डोमेन है उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, और सेकेंड जो लिंक है वो वर्डप्रेस की एडमिन का लिंक है WP Admin। तो ये जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो आपका ये एडमिन एरिया ओपन हो गया।
अभी आप देख सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट पे, आपकी डोमेन पे जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप ये वर्डप्रेस को रिमूव करना चाह रहे हैं, इसको रिमूव करके दोबारा इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, या कोई और स्क्रिप्ट आप अपलोड करना चाह रहे हैं, तो इसको आपने रिमूव किस तरह से करना है, उसके लिए दोबारा जाएं आप अपने सी पैनल पे, यहाँ से सी पैनल पे क्लिक करें। ये आपका सी पैनल है। सी पैनल को एक्सेस करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो इसकी डिटेल्स आपको ईमेल में चली जाएंगी, अगर ईमेल में नहीं गई तो आप अपने क्लाइंट एरिया से इसको एक्सेस कर सकते हैं। सी पैनल में आने के बाद दोबारा स्क्रॉल डाउन करें और दोबारा से वर्डप्रेस आइकॉन के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे ऊपर जो आपके हमारे पास टॉप मेन्यू बार है, ये एक बॉक्स बना हुआ है ऑल इंस्टॉलेशंस, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करें कि यहाँ पे आपने जितने भी इंस्टॉलेशन किए हैं वर्डप्रेस के, वो आपको सारी लिस्ट शो होगी। तो करंटली हमने सिर्फ ये वाली इंस्टॉलेशन की हुई है, इसको रिमूव करने के लिए हम लोगों ने ये क्रॉस का जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। देन इसको रिमूव इंस्टॉलेशन पर क्लिक करें। ओके, आपकी जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है वो कम्प्लीटली जो है आपके सर्वर से रिमूव हो जाएगी। अगर अब मैं दोबारा जाके पेज रिफ्रेश करूं, तो मेरे पास वही डिफ़ॉल्ट पेज आ गया जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले था।